तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2023 में बजाज की कौन सी अपकमिंग बाइक्स है, और इस लिस्ट में तो कुछ बाइक्स ऐसी है जो मार्केट में बिल्कुल आग लगा देने वाली है। तो सब देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने स्टाइल में। तो इस लिस्ट में जो पहली बाइक होने वाली है, इसका चर्चा हम और आप बहुत पहले से सुन रहे हैं, आई थिंक 2021 से सुन रहे हैं, पर फाइनली 2023 में ये लॉन्च होने वाली है। जी हाँ, मैं बजाज और ट्राइम के कोलैबोरेशन 350cc का बात कर रहा हूँ। ये बाइक इंडियन मार्केट में बजाज की पहली बाइक होने वाली है जो रेट्रो कैटेगरी में आएगी और 2023 में लॉन्च होगी। पर कब तक लॉन्च होगी, इसका अभी तक कोई ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं हुआ है। जब ये बाइक लॉन्च होगी तो इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होंगे BMW G310R, CB300R, Hunter 350 और भी काफ़ी बाइक्स होंगे। इस बाइक के अंदर हमें 35 bhp का पावर देखने को मिलेगा, जो सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक 4 वल्ब लिक्विड कूल इंजन के साथ होने वाला है। ये माइलेज आपको ठीक ठाक देने वाली है, मतलब कि एक 350 कैटेगरी की बाइक होगी जिसमें आपको 40 प्लस का माइलेज प्रोवाइड किया जाएगा। इस बाइक के अंदर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आएगा। इस बाइक की जो कलर होने वाली है वो थोड़ी ग्लॉसी होने वाली है, और जो सबसे फोकसिंग पॉइंट होगा इस बाइक का वो होगा USD सस्पेंशन। अब बात करें इसके प्राइस रेंज की, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस समथिंग अप्रॉक्स 2,25,000 होने वाली है। तो इस लिस्ट में जो दूसरी बाइक होने वाली है वो है बजाज पल्सर P125। इंडियन मार्केट में 2020 में पल्सर P150 को लॉन्च किया गया और वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। तो अब इसी का लोअर सेगमेंट P125 को भी बजाज लॉन्च करने वाली है। बजाज के इस P125 की हम अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो वो होने वाली है अप्रॉक्स 99,000। जी हाँ, 1 लाख में बस 1,000 कम। अब अगर इस बाइक के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लुक वाइज कुछ खास चेंजेस नहीं होगा, बस टायर सेक्शंस थोड़े पतले हो जाएंगे सिंस 125cc है तो। एंड इस बाइक के अंदर हमें सिंगल सिलेंडर ABS भी मिलेगा। एंड अब अगर इस बाइक की माइलेज की बात करें तो ये आपको 55 प्लस की माइलेज देखने की कैपेसिटी रखती है, और इसकी जो टैंक कैपेसिटी होने वाली है वो होगी 40 लीटर। एंड ये बाइक एयर कूलिंग होने वाला है, एंड 12.5 bhp का पावर होगा, 12 Nm का टॉर्क प्रोवाइड किया जाएगा, और बाइक के अंदर जितने भी लाइटनिंग सेटअप्स होंगे, यानी कि फ्रंट में प्रोजेक्टर हीट लैम्प और LED इंडिकेटर के साथ इंडियन मार्केट में इसे लॉन्च किया जाएगा। और इस लिस्ट में जो थर्ड बाइक है वो होने वाली है बजाज पल्सर 220F। जब से डिसकंटिन्यू हुई है उस मॉडल को लोग बहुत ही पसंद करते थे, और एक तरह से आप ये भी मान सकते हैं कि जो बजाज की ऑडियंस थी उनका ये वन ऑफ दी फेवरेट मॉडल और डिज़ाइंस हुआ करता था। एंड उसके बाद बजाज ने F250 इंडियन मार्केट में लॉन्च किया, जिसकी सेल उतनी नहीं रही, बट इंडियन मार्केट में 2023 पर आप लोगों को 125F नज़र आएगा। इसका लुक बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है पल्सर 220F की तरह। 220F तो अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है एंड अभी उसकी कोई अपडेट नहीं है, बट 125F इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर जो आपको 125 के इंजन देखने को मिलता है वही देखने को मिलेगा, एंड इवन इसके अंदर भी पावर 12.5 bhp का होने वाला है और 11 Nm का टॉर्क हमें देखने को मिल सकता है। और माइलेज की बात करें तो 50 प्लस होने वाली है। इस बाइक में प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूज़ होगा, और इस बाइक के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप अलग से भी ले सकते हैं। अब ये अलग दो वेरिएंट में आएगी, एक विथ डुअल डिस्क ब्रेक और एक बिना डुअल डिस्क ब्रेक के। और जो 220F में मीटर कंसोल था वही सेम मीटर कंसोल होने वाला है। और अब अगर इस बाइक के प्राइस की बात करें तो ये होने वाली है कुछ 1,05,000 के आसपास। जी हाँ, इसका एक्स शोरूम प्राइस होगा 1,05,000 अप्रॉक्स। और इस लिस्ट में जो फोर्थ नंबर पे होने वाली है, जी हाँ, वो बाइक किसे नहीं पसंद थी, RS200 और NS200। जी हाँ, वो फिर से लॉन्च होने वाली है। RS200 और NS200 फिलहाल अभी तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बट इंडियन मार्केट में RS200 और NS200 का न्यू मॉडल 2023 में लॉन्च किया जाएगा, जो फिलहाल ब्राज़ील में लॉन्च हुआ है। जी हाँ, USD सस्पेंशन को ऐड करके वही वाला। बट बात करें RS200 की, RS200 ऐसी कैटेगरी की बाइक होगी
जो स्पीड के साथ साथ लुक्स और माइलेज पर भी फोकस की जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बाइक में कमी निकालने लायक वो कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। इवन इस बाइक के अंदर USD सस्पेंशन देखने को मिलेगा और TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर गियर पोजीशन, इंडिकेटर, USB चार्जर पॉट के ऑप्शन के साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं इंडियन मार्केट में जब ये लॉन्च होगी तब। अब बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस अभी रिवील नहीं हुई है, बट प्राइस थोड़ी इंक्रीज होने वाली है 2-4-10 हज़ार से, सिंस USD फॉक्स और बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड जो होने वाले हैं इसमें। और इस लिस्ट की पांचवी और आखिरी बाइक जो होने वाली है, जी हाँ, वो है बजाज पल्सर N160। N250 के सक्सेस होने के बाद अब N160 इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया, जहाँ डुअल चैनल ABS सिस्टम के सपोर्ट आता है। इवन N160 भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है और अब सिर्फ N160 की वजह से बजाज का 40% सेल्स भी इंक्रीज हो गया है इंडियन मार्केट में। N160 के बाद अब N125 इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि बजाज अपने हायर सेगमेंट के इंजन टाइप को अपने लोअर सेगमेंट के इंजन टाइप के साथ शेयर करती रहती है, यानी कि NS200, NS160, NS125 सेम सीरीज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेगी, जैसे कि N250, N160, N125, N125 जहां पर आपको इंजन मिलेगा सेम P125 वाला, और इसकी पावर जो होगी वो है 12.5 BHP का पावर होगा, और इसके अंदर 12.5 BHP का पावर आएगा और जो लुक्स में ऑलमोस्ट सेम होने वाली है N160 की तरह। यहां हमें सिंगल डिस्क ब्रेक एग्जॉस्ट भी देखने को मिल सकता है। अगर माइलेज की बात करें तो ये ऑयल कूल पर चलने वाली फर्स्ट 125 cc की बाइक होने वाली है बजाज की तरफ से, जो 55 प्लस माइलेज प्रोवाइड करेगी। अब बात करें प्राइस के बारे में, तो N160 की जो एक्स शोरूम प्राइस होने वाली है वो होने वाली है अराउंड 1,65,000। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल।